मना कर देते हैं उनको बाहर जाने से रोका जाए। मगर बदकिस्मती से आपको मैंने पहले बताया कि मैं 8 साल से एक्टिव रहा हूँ और ये 5वां साल है मेरा प्रेजिडेंटशिप का। तो मैंने बारहा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिनिस्ट्री को लिखा है कि जनाबे वाला ये जो पैरालिज्म बनाने वाले हैं इनको कंट्रोल किया जाए। जब उनके ऊपर ये कानून की बात आती है वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का लॉ हम पे लागू नहीं होता, मगर जो गवर्नमेंट की फेडरेशन है वो उनको वोट देती है और वो जब बन जाते हैं कहते हैं गुंडे पाकिस्तान से हमारा कोई तल्लक नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से वोट लेने के लिए पैरल पार्टी बनाते हैं। तो फारूक इकबाल साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि आप 5 साल से पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से कितने क्लब, कितनी एसोसिएशन जो है वो एफिलेटेड है, कितने लोग आपको वोट देते हैं? जी हमें 22 वोट मिलते हैं जिसमें हमारे 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद है, फाटा है, आजाद कश्मीर है, आर्मी है, रेलवे है और HEC। अच्छा, तो ये बताइए, हर एक के 2-2 वोट है। तो फारूक इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ फिटनेस क्लब है, ये जो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से लड़के अपनी जाकर ट्रेनिंग करते हैं, ये आपसे कोई बाकायदा सर्टिफिकेट लेते हैं या यहाँ पर भी यही मसला है कि मुतबादी फेडरेशन ने काम खराब करके रख दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो हमारी फेडरेशन है ये बेसिकली ये जिम्मेदारी हम डाल देते हैं डिस्ट्रिक्टों के ऊपर। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी होती है ना वो जिमों से वो रास्ते करती है और उनको मैंने एक कानून बनाया हुआ है कि हमने उस जिम को सर्टिफिकेट देना है जो हमें श्योरिटी देगी कि हम अपने जिम में ना तो स्टूडेंट बेचेंगे ना ही किसी को इस्तेमाल करने देंगे। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि आज आप हमारे शो में आए हैं और बहुत से लोगों ने हमसे साल में 2-3-4 कोर्सेज भी करवा रहा हूँ, बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी बॉडी बिल्डिंग में बड़ी सियासत है, बॉडी बिल्डिंग में बड़ी मारामारी है, हम तो इस खेल के साथ जो है सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन हमें झांसा दिया जाता है कि जी मिस्टर कराची हो रहा है मुकाबला, मिस्टर सिंध हो रहा है, मिस्टर लाहौर अभी हाल ही में खत्म हुआ है, पंजाब की सतह पर मुकाबले हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ते किए, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ फिटनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जी आपके कुवत पर अभ्यास ले लें, आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी, आप मिस्टर सिंध के लिए, मिस्टर कराची के लिए, मिस्टर लाहौर के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। इस तरह की खबरें आपकी नॉलेज में आई है या नहीं आई है? लोगों ने इस हवाले से आपसे रब्ता किया या नहीं किया, और किया तो आपने क्या रोकथाम किया? देखिए मैंने यही आपको बताया है कि ये जो लड़के आते हैं, एक तो एक बात है कि जो नया स्टूडेंट होता है बॉडी बिल्डिंग में वो इवेंट में नहीं आ सकता, ये बॉडी बिल्डर बनने के लिए कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं। वो जब ट्रेनिंग करता है तो वो बॉडी बिल्डिंग में आता है, फिटनेस के लिए लोग जिम में आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जी वो स्टीरॉयड या ममनुआ दवाइयां लेंगे तो बॉडी बिल्डर बनेंगे, नेचुरल बनते हैं। और अगर वो खुद कहीं से ले लें तो उसमें बेचारे जिम वालों का या डिस्ट्रिक्ट वालों का या फेडरेशन का क्या कसूर है? हमारा तो मैं तो एक मिसाल देता हूँ कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि इस्तेमाल करना मुझे सेहत है, इसी तरह मैंने पूरे पाकिस्तान में एक जहाज किया हुआ है कि जितनी भी मेडिसिन है इसको इस्तेमाल ना करें ताकि आपकी सेहत को नुकसान ना हो, जो करेगा वो वहां में से नहीं होगा। लेकिन फारूक इकबाल साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं और मे भी आप लोगों ने कोई अवेयरनेस इस हवाले से वर्कशॉप भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में की होगी, लेकिन मुतादिद इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि कॉम्पिटिशन में शिरकत करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर ने इस्तेमाल किया और उसके बाद कॉम्पिटिशन से वापसी के बाद या तो वो अपाहज हो गया या मजदूरी का शिकार हो गया, तो इस तरह के केसेस तो मंजर यहाँ पर आ रहे हैं? देखो जी बात यह है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है जो गवर्नमेंट के साथ है, हम इसके ऊपर हमें गवर्नमेंट ने बकायदा इसके लिए पाबंद किया हुआ है और हमें अथॉरिटी दी हुई है कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें।
हम पूरे पाकिस्तान में इसका लेटर भेजते हैं कि जनाब कोई लड़का या कोई जिम ना तो ये बेचेगा और ना ही ये इस्तेमाल करेगा। अगर कोई अपने तौर पे करता है, जैसे मेडिकल स्टोरों से मिलती है, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पॉइंट बने हैं फूड सप्लीमेंट के नाम से, अगर वहां से कोई जाके लेता है तो वो फेडरेशन के अंडर नहीं आते, उसके FIA या गवर्नमेंट की जो इदारे हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल करता है। फारूक इकबाल साहब, अभी दो एक दिन पहले लाहौर में मिस्टर लाहौर का काम, तो एक पॉलिसी दे सकते हैं ना। जी जी, मिस्टर लाहौर का एक कॉम्पिटिशन मुनद हुआ जहाँ पर आपने लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना को बुलाया, तो खासी पसीराई मिली आपके उस इवेंट को, कुछ उस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, ये हमारा मिस्टर लाहौर का जो इवेंट होता है, ये पाकिस्तान के बाद ये दूसरा बड़ा इवेंट होता है। अपने अपने पेशावर में भी होता है, कराची में भी, फैसलाबाद में, पिंडी में, हर जगह पे हमारे इवेंट होते हैं, मगर ये जो मिस्टर लाहौर का इवेंट होता है इसमें सबसे ज्यादा लोग आगे खेलते भी हैं और देखने वाले भी बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, मैं बेहद मशहूर हूँ लाहौर कलंदर का कि उन्होंने आगे हमारे इस मुकाबले को और रौनक बख्शी, और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने कहा था कि हम दूसरी गेम्स को भी लाहौर कलंदर के नाम से हम इंशाल्लाह तआला साथ लेकर चलेंगे, तो मैं सबसे पहले उनके साथ कदम से कदम मिलाना चाहता हूँ और मैं इंशाल्लाह तआला उनके कैंप में शामिल होकर बॉडी बिल्डिंग की तरक्की के लिए काम करूंगा। आपने बताया अभी मुझे कि 10 साल कम से कम चाहिए किसी भी बॉडी बिल्डर को अगर वो किसी कॉम्पिटिशन में शिरकत करना चाहता है। जो इस वक्त उभरते हुए बॉडी बिल्डर इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के आप सदर हैं, एक बात आप तो ये मुझे बताएं कि ये बहुत लंबा सफर नहीं है, और अगर किसी ने अभी दो एक साल हुए हैं उसको, तो 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, जिंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है, जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, तो एक बॉडी बिल्डर के लिए तो ये बड़ा लंबा सफर नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि लोग जो नए आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें इस जैसा बॉडी बिल्डर बनना है, और वो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। हम उनको मना करते हैं कि भी आप ऐसा ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करो जिसमें इंसानी सेहत को नुकसान हो। तो अगर वो खुद अपने अपने तौर पे करता है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। अपने शहर की सतह पर किसी भी कॉम्पिटिशन में शिरकत करने के लिए कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए किसी भी उभरते हुए बॉडी बिल्डर के लिए? देखो जी, टाइम फ्रेम उसके मैंने बात की थी 10 साल एक अच्छे प्लेयर्स के लिए। जो लड़के आते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया होता है थोड़े वक्त टाइम पे, वो आते हैं मगर उनकी पोजीशन नहीं आती, जिन्होंने जो पुराने होते हैं वो जीत जाते हैं। फिर माशाल्लाह अभी हमने जो कंपटीशन किया इसमें कम अज कम 200 के करीब तन साल थे, तो जीतना तो हर क्लास में 6 बंदों ने होता है, जीतना एक नहीं है अपनी अपनी क्लास में, तो ये सारा निजाम इस तरह चलता रहता है। तो अब इकबाल साहब, साल 2018 रुखसत हो गया, साल 2018 में पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के पैरंतर कितने टूर्नामेंट मनकद हुए, कितनी बैन अवी सतह पर आपने शिरकत की, थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। देखिए जी, मैं 2006 में सेक्रेटरी बना था और आज तक मैंने इंटरनेशनल 81 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग ने, और मैंने हर साल नेशनल, जूनियर नेशनल, इंटर प्रोविंशियल, इंटर डिपार्टमेंट, ये मैंने और तमाम सूबाई सतह के ऊपर, तमाम डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर हमारे इवेंट होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है कि जो जिसमें अगर 10 बंदे खेलने वाले हैं तो 2000 देखने वाले होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें आजाद हासिल है कि पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग है वो सबसे ज्यादा मकबूल है। तो ये बताइएगा कि फारूक इकबाल साहब के पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन साल 2019 के लिए क्या तैयारी कर रही है? मिस्टर लाहौर का इवेंट हुआ, अगला इवेंट आपका क्या है? कराची की सतह पर, सिंध की सतह पर अभी कितने टूर्नामेंट होने? कराची जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, अभी उन्होंने अब फरवरी में या मार्च में मिस्टर सिंध का मुकाबला रखा है,
सिंध के पूरे सिंध का मुकाबला होगा, हैदराबाद में हो रहा है, इसी तरह पंजाब का मुकाबला गुजरांवाले में हो रहा है, केपी के का पिशावर में हो रहा है, कोयटा में बलूचिस्तान का हो रहा है। तो ये तमाम हमारा शेड्यूल है और मैंने तो अब ये एक कैलेंडर बना दिया है। मैंने पिछले दिनों पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भेजा है, मैंने तमाम नौ डिवीजनों के जितने जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अहदेदार और उनके इवेंट्स जितने भी हैं वो मैंने सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजे हैं। और इसी तरह मैं पूरे पाकिस्तान में भी इसका कोशिश कर रहा हूँ कि हमें तमाम इवेंट की रिपोर्ट भी मिले और हम इस तमाम इवेंट को चेक भी करें। अच्छा फारूक एक बात आप, ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है, एक ऐसा खूबसूरत खेल है जिसमें आपको किट की, स्पोर्ट्स गियर की, महंगे सामान की कोई जरूरत नहीं है। आपका खूबसूरत जिस्म ही आपकी नुमाइंदगी करता है, आपको चैंपियन बनवाता है, आपको ट्रॉफी दिलवाता है। लेकिन ये खबरें भी सुनने को मिली, आज आप आए हैं तो हम आपके सामने ये तमाम मामला को रख रहे हैं, आने वाले प्रोग्रामों में भी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के हवाले से आपको दावत देते रहेंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग की सतह पर कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम नहीं की जाती, उनको ऐसी जगहों पर ठहराया जाता है कि वो बेचारों का सारा फोकस अपने कॉम्पिटिशन की तरफ होता है, वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो आपको फंडिंग कहाँ से होती है, आप कैसे अपने टूर्नामेंट को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी मैं ये मिस्टर लाहौर की फुटेज देख रहा हूँ, बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे। ऐसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ खेलों में डोमेस्टिक सतह पर लोग नहीं आते जितने आपके खेल की बात आए। ये हमने जो मिस्टर लाहौर का इवेंट करवाया अपनी मदद आपके तहत करवाया, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे कोई फंडिंग नहीं होती। हमने बारहा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भी लिखा है, तमाम डीसीओ को भी हम लिखते हैं, मगर वो कुछ चीजें आती हैं कि ये जो लोग होते हैं, ये जो पैनल बनाते हैं वो भी अपना दे देते हैं, वो कहते हैं ये तो लड़ रहे हैं, हमें इनको जरूरत ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लेवल के ऊपर हमारी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के तमाम सूबों में, तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमारे अपनी मदद आपके तहत हम इवेंट करवाते हैं। तो ये बताइएगा कि पंजाब और इस इवेंट में जो इस तरह से चल लाहौर का हुआ है, इसमें हमें यूएमटी ने जी पंजाब की सतह के ऊपर हमें कोई फंड नहीं मिलते, पाकिस्तान की सतह पर हमें 15 लाख मिलते हैं साल के, जिसमें हमने इवेंट भी करवाने हैं, मीटिंगें भी करनी है, सारा कुछ करना है, ऑफिस भी चलाना है। तो ये तो बिल्कुल समझ लें कि वो आते में जीरे वाली बात है। तो ये जानना चाहूंगा इकबाल साहब आपसे कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो इस खेल की गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में, इस खेल में बहुत ज्यादा पैसा है, इस खेल में लोगों का बहुत ज्यादा जोश खरोश है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कंगाल है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत तो नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हमने तो कहा था कि जी हमें एक दो कोई मल्टीनेशनल कंपनियां दे दें, हम उनके साथ मिलकर इवेंट करवाएं, बॉडी बिल्डिंग की तरक्की के लिए काम करें, मगर अभी तक हमारी ये सुनवाई नहीं हुई। ठीक है फारूक इकबाल साहब, जाते जाते जरा ये भी बता दें कि जो इस वक्त नौजवान बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं, जो इस खेल की तरफ आना चाहते हैं, मुस्बत अंदाज में कदम बढ़ाकर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सतरा की हैसियत से उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, क्या रास्ता उनको इख्तियार करना चाहिए, किस अंदाज में ट्रेनिंग करनी चाहिए, कौन से उनको जिम को जो है वो इख्तियार करना चाहिए? इनसे पहले मैं एक छोटा सा, मैं आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हम वजीर आजम पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करेंगे, ये पाकिस्तान में पैरालिज्म को खत्म करें, जिसकी वजह से लड़के जो है ना वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। अगर वो खत्म हो जाएगा तो ऐसा मसला जो है ना, एक प्लेटफॉर्म होगा, अच्छे लड़के होंगे, हम बाहर टीम लेके जाएंगे, अच्छे मेडल लेके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि 81 मैंने इंटरनेशनल मेडल लिए हैं 2006 से 2018 तक। तो आइंदा भी हमें, हमारा इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर हम वाहिद लड़कों को लेके जाएं, पूरी स्ट्रेंथ को लेके जाएं, तो हम अच्छे नतीजे ला सकते हैं। रह गई जिमों की बात, पाकिस्तान में खाली बॉडी बिल्डर ही जिमों में ट्रेनिंग करते, तमाम स्पोर्ट्स उसमें उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग जिमों में ट्रेनिंग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मदर ऑफ स्पोर्ट्स है हमारी गेम, और इसमें इज्जत है, लोग इज्जत कमाते हैं, और इसमें पैसा हो या ना हो, जो
बिजनेस लेवल पे चला रहे हैं वो एक अलग चीज है। आज तक जितने भी प्लेयर निकलते हैं वो जो बिजनेस कर रहे हैं जी, वो उनमें से नहीं निकलते, वो जो छोटे लेवल के जिम है वो उनसे ज्यादा प्लेयर निकलते हैं। आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जी बड़ी अच्छी कोई जिमों से कोई प्लेयर निकला हो, नहीं, वो जो मोहल्ले में या इलाकों में जो छोटे छोटे जिम है जो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं और उन्हीं में से प्लेयर निकलते हैं। और अब जो है बॉडी बिल्डिंग में पहले तो काफी एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, मगर अब पढ़े लिखे लोग आगे हैं, हमारा स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फारूक इकबाल साहब, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सरबरा आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश हमने की कि हम तमाम सवाल फारूक इकबाल साहब के सामने रखे, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सरबरा की हैसियत से आज वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो मसाइल इस खेल के साथ मुंसलिक है, बॉडी बिल्डर को जिन मसाइल का सामना है, पैरेलल बॉडी बनने की वजह से बॉडी बिल्डर जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और उनके जवाब आपने सुने। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस sport@jio.tv पर। और आप अगर बॉडी बिल्डिंग के हवाले से हमें कुछ बताना चाहते हैं, अपने शहर में बॉडी बिल्डिंग के हवाले से कुछ एक्टिविटी के हवाले से हमें अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस आपके लिए हाजिर है sport@jio.tv। हम